देवास जिले के नेमावर में गंगा दशमी पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जीवनदायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। पंडित जी ने बताया कि गंगा दशमी पर जीवनदायिनी मां नर्मदा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी बताया गया कि आज के दिन भगवती मां गंगा और जीवनदायिनी मां नर्मदा का मिलन होता है। साथ ही आज के दिन जो मां नर्मदा में स्नान करता है उसे गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं का एक दिन पूर्व से ही मां नर्मदा के तट पर पहुँचना प्रारंभ हो गया था। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर सिद्धेश्वर महादेव का नर्मदा जल से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही गंगा दशहरा महापर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। गंगा दशमी का महापर्व है और इसमें स्नान का क्या महत्व है बताएं। नर्मदेहर, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा भगवती जगत तारिणी पतित पावनी माँ गंगा का पावन अवतरण दिवस है। कहते हैं कि भागीरथ, राजा भागीरथ की तपस्या का उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के जटाओं से भगवती गंगा माँ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और गंगा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवती गंगा अवतरित पृथ्वी पर हुई थी भगवान शिव के जटाओं से। तभी से गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर भगवती गंगा में मोक्षदायिनी माँ नर्मदा में स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। भगवती गंगा में स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेषकर स्नान करने से भगवती गंगा और माँ नर्मदा में पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही भगवती गंगा और माँ नर्मदा के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मृत्युपरांत मनुष्य को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा और माँ नर्मदा में स्नान करने से। एक मान्यता यह भी कहते हैं कि गंगा दशहरा को माँ नर्मदा में साक्षात भगवती गंगा मिलने भगवती नर्मदा से आती है। कहते हैं गंगा और माँ नर्मदा का मिलन गंगा दशहरा के दिन ही होता है। भगवती गंगा का तो विशेष पर्व ही है, साथ में माँ नर्मदा का भी गंगा दशहरा के दिन विशेष पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा के नाभि तीर्थ में किस प्रकार से अल सुबह से भक्तों की कतार यहाँ भगवान शिव के मंदिर में लगी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ माँ नर्मदा के जल में भगवती गंगा का और माँ नर्मदा का जयकारा लगाते हुए स्नान कर रहे हैं और भगवती नर्मदा के जल से माँ गंगा का ध्यान करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सीतापुर जनपद